हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ क्रिकेट 24, जिसमें आज हम खेलेंगे आरसीबी वर्सेस सीएसके। आरसीबी वर्सेस सीएसके इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यहां पे खरीद लिया है रोहित शर्मा को और चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया है ऋषभ पंत को। पिच यहाँ पर थोड़ा सा ग्रासी नज़र आ रहा है तो बॉलरों को यहाँ पर मदद होगी। कॉइन फ्लिप किया है यहाँ पर रोहित शर्मा ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया है हेड्स। देखते हैं यहाँ पर टॉस कौन जीतता है। टॉस जीता यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, तो यहाँ पे लेंगे बैटिंग। टारगेट सेट करेंगे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चेन्नई के लिए। फर्स्ट ओवर लेकर आएंगे यहाँ पे सिमरजीत सिंह, सामने रोहित शर्मा। अच्छा बॉल है, पहली बॉल पे अपील होती हुई यहाँ पे और आउट दे दिया यार पहली बॉल पे ही जाना पड़ेगा यहाँ पे रोहित शर्मा को। DRS लेते हैं, बाकी मुझे तो लग रहा है कि नॉट आउट है यहाँ पे। एक बार DRS लेके देखते हैं। बच गए भाई, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है यहाँ पे, विकेट एम्पायर कॉल है तो नॉट आउट ही रहेंगे। पहली बॉल पे यहाँ पे जीवन दान मिलता हुआ रोहित शर्मा को। भाई पहली बॉल पे आउट दे दिया था एम्पायर ने, अगर पहली बॉल पे आउट हो जाते रोहित शर्मा तो मुसीबत में आ सकता था यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। विराट कोहली सामना करेंगे सिमरजीत सिंह का, पहली बॉल को यहाँ पे कवर के ऊपर से उठा के मारा है और मिलेगा यहाँ पे सिक्स। गजब शॉट है भाई। ऋषभ पंत को कहाँ लगा रखा है भाई, क्योंकि विकेट कीपिंग तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। एंड गाइस एज यूजुअल आज भी हमने टारगेट रखा है 100 लाइक्स का, तो जल्दी से यार 100 लाइक्स कम्प्लीट कर दो, उसके बाद फिर एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। शॉट तो यहाँ पे अच्छा खेला था लेकिन बीट कर दिया सिमरजीत सिंह ने। लास्ट बॉल इस ओवर की, इस ओवर में आ चुके हैं अभी तक 7 और लास्ट बॉल पे छक्का पड़ने के बाद इस ओवर में हो जाएंगे 13 रन। सेकंड ओवर लेकर आते हुए मुस्तफिजुर रहमान टू रोहित शर्मा। पुल किया है यहाँ पे, गैप में तो जा रही है बॉल और मिलेगा सिक्स। पहली बॉल पे सिक्स मार दिए यहाँ पे रोहित शर्मा ने। लास्ट बॉल पे यार वो सिक्स नहीं था, 4 था, थोड़ा सा पहले गिरा बाउंड्री लाइन से। यहाँ पे फ्लिक शॉट खेला है, एक और चौका मिलेगा रोहित शर्मा को। बैक टू बैक बाउंड्रीज आती है यहाँ पे रोहित शर्मा के बल्ले से। आरसीबी का स्कोर हो गया 21 विदाउट एनी लॉस। डाउन द ग्राउंड खेला है यहाँ पे, शॉट है भाई, इस पे मिलेगा फाइनली सिक्स। नो बॉल भी होता हुआ यहाँ पे, नो बॉल हो गया था तो इसका मतलब ये फ्री हिट है। फ्री हिट का कितना फायदा उठा सकते हैं बाकी देखते हैं। शॉट तो अच्छा खेला है, गैप में जा रही है बॉल, बाउंड्री मिलेगी यहाँ पे। काउंटर अटैक करते हुए यहाँ पे यार रोहित शर्मा मुस्तफिजुर रहमान को, ये अच्छा बॉल था, बीट कर दिया यहाँ पे। इस ओवर में आ चुके हैं अभी तक 19। सेकंड लास्ट बॉल, एक और अच्छा बॉल, एक और डॉट बॉल, अच्छा कम बैक यहाँ पे। लास्ट बॉल इस ओवर की, देखते हैं कि बड़ा हिट मार सकते हैं क्या। बड़ा हिट तो मारा है यहाँ पे रोहित शर्मा ने, गैप में भी जा रही बॉल, चौका मिल जाएगा आखिरी बॉल से। दो ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 36। पहली बॉल इस ओवर की सामने विराट कोहली, कवर के ऊपर से मारा है विराट कोहली ने और मिलेगा सिक्स। छक्के के साथ स्वागत किया विराट कोहली ने पति राणा का। सेकंड बॉल लेकर आते हुए इस ओवर की पति राणा, बाउंसर डाला था, बैक फुट पे पंच किया, रनआउट का मौका है और रनआउट हो जाएंगे यहाँ पे विराट कोहली। उंगली खड़ी कर दी है भाई एम्पायर ने, आउट है। 18 रन बनाकर जाते हुए विराट कोहली पेविलियन की ओर। बैटिंग के लिए मैदान पर आते हुए विल जैक्स। तो यार यहाँ पे रोहित शर्मा ने रनआउट करा दिया विराट कोहली को, बट यहाँ पे रोहित शर्मा बदला जरूर लेंगे विराट कोहली का। चौका मार दिया यहाँ पे कवर के ऊपर से। रन रेट तो अच्छा चल रहा है यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, 46 हो चुके हैं 2.3 ओवर में। ये अच्छा बॉल है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। इस ओवर में आए अभी तक 10 रन। सेकंड लास्ट बॉल लेकर आते हुए इस ओवर की पति राणा, बैक फुट पे पंच किया है, गैप में जा रहा है बॉल, चौका मिलेगा यहाँ पे रोहित शर्मा को। लास्ट बॉल इस ओवर की सामने है रोहित शर्मा, क्या लास्ट बॉल पे बड़ा हिट मार सकते हैं? बिल्कुल मारेंगे, कवर के ऊपर से मार दिया है एक और सिक्स। बॉल ये डाला था स्लॉट में और रोहित शर्मा ने पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। 3 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर है 56। बॉलिंग में एक और चेंजेस, शार्दुल ठाकुर आते हुए, शार्दुल ठाकुर टू विल जैक्स। बैक फुट पे पंच किया है और ये एम्पायर ने आउट दे दिया भाई, ये किस तरह का आउट है? बैट पे लगी थी ये तो बॉल। DRS लेके देखते हैं गाइस, DRS तो ले लिया यहाँ पे विल जैक्स ने। पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट हिटिंग, लेकिन यार ये तो बैट पे लगी थी ना बॉल। गाइस कमेंट करके बताना ये आउट है या नॉट आउट।
एम्पायर ने तो यहाँ पे आउट दे दिया, बाकी आप कमेंट करके बताइए। जीरो पर आउट हो गए यहाँ पे विल जैक्स। मैदान पर आते हुए बैटिंग के लिए ग्लेन मैक्सवेल। लास्ट बॉल पे जो यार विल जैक्स आउट हुए थे वो थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है कि आउट नहीं था यार, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आउट था या नहीं था विल जैक्स। रोहित शर्मा अच्छे टच में लग रहे हैं, 13 बॉल में बना दिए 37। एक और अच्छा शॉट यहाँ पे बैक फुट पे खेला है और सिक्स मिलेगा यहाँ पे रोहित शर्मा को। आरसीबी का स्कोर हो गया है 63 दो विकेट के नुकसान पर आफ्टर 3.3 ओवर्स। एक और अच्छा बॉल, ये डॉट बॉल रहेगा। बैटिंग पिच है यहाँ पे कम से कम 150 तो बनानी पड़ेंगे 10 ओवर्स में, बाकी देखते हैं। लास्ट बॉल इस ओवर की सामने है रोहित शर्मा, बैक फुट पे पंच किया है, गैप में जा रहा है बॉल। दो रन तो मिलने चाहिए इस बॉल पे, बिल्कुल दो रन मिल जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल से। पथिराना लेकर आते हुए अपने स्पेल का सेकंड ओवर, पहले ओवर में दिए थे 20। अच्छा कवर ड्राइव है ये, गैप में जा रही है बॉल, दो रन मिलेंगे इस बॉल पे, डाइव लगाना पड़ेगा नहीं तो आउट हो जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे रोहित शर्मा से। 68 हो चुका है आरसीबी का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर। भाई कितना स्विंग हुआ है ये बॉल, बॉल पड़ने के बाद कितना अंदर आया ये। रन रेट तो अच्छा चल रहा है यहाँ पे आरसीबी का, 15 का रन रेट है और इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, ऐसे बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे रोहित शर्मा को। एक और चौका रोहित शर्मा के बल्ले से, 49 पे आ गए हैं रोहित शर्मा, एक रन चाहिए यहाँ पे 50 के लिए। नजाकत भरा शॉट खेला और सिंगल यहाँ पे नहीं मिलेगा, आउट हो जाएंगे भाई। एम्पायर का डिसीजन यहाँ पे आउट, शॉट अच्छा खेला था लेकिन रिस्की सिंगल था यहाँ पे, डाइव भी लगाया था रोहित शर्मा ने लेकिन पहुंच नहीं पाए। 49 पे आउट होके जाना पड़ेगा रोहित शर्मा को। नेक्स्ट बैट्समैन आते हुए रजत पाटीदार, 5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 73, तो नेक्स्ट 5 ओवर में भी ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 150 तो बनाना ही पड़ेगा। पहली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पे रजत पाटीदार, सामने है शार्दुल ठाकुर। अच्छा कवर ड्राइव, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। इस ओवर में अभी तक दो रन, अच्छी बॉलिंग यहाँ पे शार्दुल ठाकुर से। गैप में खेला है शॉट, ग्लेन मैक्सवेल ने पीछे फील्डर भगते हुए शिवम दुबे, दो रन मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स ग्लेन मैक्सवेल से। मैक्सवेल को यहाँ पे बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे अगर आरसीबी को बड़ा स्कोर बनाना है तो। शॉट तो अच्छा खेला ये, गैप में भी जा रही है बॉल और चौका मिल जाएगा ग्लेन मैक्सवेल को। मैक्सवेल पहुंच गए 12 पर और ऐसे ही बड़े शॉट खेलते रहना पड़ेगा। टाइमिंग देखो भाई शॉट की, एक और चौका बैक टू बैक बाउंड्रीज मैक्सवेल के बल्ले से। 85 हो गया आरसीबी का स्कोर। लास्ट बॉल है इस ओवर की, वाइड होना चाहिए ये, वाइड नहीं दिया यहाँ पे एम्पायर ने। बॉलिंग अटैक पर आते हुए रविंदर जडेजा, जड्डू के सामने है रजत पाटीदार। पाटीदार अच्छा खेलते हैं स्पिनर को, बाकी यहाँ पे देखते हैं कि कैसा खेलते हैं जडेजा को। शॉट तो अच्छा खेला है, चौका मिलेगा पहली बॉल पे। चौके के साथ स्वागत किया था पाटीदार ने जडेजा का, इस बार खेला डाउन द ग्राउंड। शॉट तो ये भी कड़क है भाई, चौका मिलेगा इस पे भी, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे पाटीदार के बल्ले से। कुछ इस तरह के बड़े शॉट खेलते रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को अगर 150 तक पहुंचना है तो। इस ओवर में आ चुके अभी तक 8 रन, कट करा यहाँ पे, सिंगल नहीं मिलेगा भाई। धोनी से बेहतर विकेट कीपिंग कोई नहीं कर सकता भाई, आउट दे दिया यहाँ पे एम्पायर ने। सिंगल चुराना चाहते थे यहाँ पे लेकिन अच्छा थ्रो सिमरजीत सिंह का। विकेट कीपिंग देखो धोनी की भाई, एक सेकंड भी नहीं लगा विकेट उड़ा दिए भाई। मैक्सवेल को जाना होगा 16 रन पर। मैदान पर आते हुए कैमरन ग्रीन, लास्ट बॉल पे बहुत ही अच्छा रन आउट किया था सिमरजीत सिंह ने, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा। एक और डॉट बॉल, पहली दो बॉल पे दो बाउंड्री खाने के बाद अच्छा कमबैक यहाँ पे रविंदर जडेजा का। लास्ट बॉल पे बड़ा शॉट खेला यहाँ पे कैमरन ग्रीन ने, बॉल को पहुंचा दिया तारामंडल में छक्के के लिए। बॉलिंग अटैक पर आते हुए मुस्तफिजुर रहमान, अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आते हुए मुस्तफिजुर रहमान, पहले ओवर में दिए थे 23 रन, काफी महंगा साबित हुए थे। फिलहाल यहाँ पे पहली बॉल पे आता हुआ सिंगल। आरसीबी का स्कोर 100 रन हो चुका है, बाकी देखते हैं यहाँ पे कि अगले तीन ओवर में कितने बना सकते हैं। फिलहाल अभी इस ओवर में दो बॉल पे दो सिंगल आए, अच्छा शॉट खेला यहाँ पे, पीछे फील्डर मौजूद है भाई। कैच देखो, क्या कैच पकड़ा है यहाँ पे, विकेट मिलता हुआ यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान को। 10 रन बनाकर जाते हुए पेविलियन रजत पाटीदार। मैदान पर आते हुए नेक्स्ट बैट्समैन दिनेश कार्तिक। डीके भाई से यार बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, शॉट तो अच्छा खेला ये, गैप में भी जा रही है बॉल, पीछे फील्डर भग रहे हैं लेकिन चौका मिल जाएगा यहाँ पे। चौके के साथ खाता खोला यहाँ पे दिनेश कार्तिक ने, 105 रन लग चुका है बोर्ड पर। शॉट तो ये भी ठीक है, गैप में खेला है, पावर इतनी नहीं है लेकिन भाई कछुए की गति से तो जा ही रही है बॉल बाउंड्री लाइन तक,
दो रन मिलेंगे इस बॉल पे। आखिरी बॉल लेकर आते हुए इस ओवर के मुस्तफिजुर रहमान, इस ओवर में आए अभी तक 8 रन। शॉट ये कड़क है, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा, तो इस ओवर से टोटल आए 9 रन और एक विकेट भी मिला। सेकंड लास्ट ओवर लेकर आते हुए यहाँ पे रविंदर जडेजा, अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे फील्डिंग फैलाते हुए यहाँ पे धोनी। रन तो इतने बनाने नहीं दिए लेकिन अभी भी फील्डिंग फैला रहे हैं धोनी। लेकिन शॉट ऐसे खेलेंगे कैमरन ग्रीन तो फील्डिंग कोई मायने नहीं रखती क्योंकि ये गया 6। इस ओवर से आगे अभी तक 7 रन और बेंगलोर का स्कोर हो गया 115। एक और बड़ा शॉट यहाँ पे कवर के ऊपर से खेला है, मिलेगा इस बार चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई यहाँ पे। जडेजा अगर स्लॉट में डालते रहेंगे तो ऐसी शॉट खेलेंगे कैमरन ग्रीन। बॉल तो ये भी स्लॉट में थी लेकिन टाइम नहीं कर पाया। सेकंड लास्ट बॉल इस ओवर की, एज लग गया यहाँ पे बट बॉल जा रहा है गैप में, दूसरे के लिए भी भग जाएंगे कैमरन ग्रीन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों से। आखिरी बॉल इस ओवर की, 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और लास्ट बॉल शॉट तो अच्छा खेला है कैमरन ग्रीन ने, गैप में भी जारी, चौका मिलेगा आखिरी बॉल पे। लास्ट ओवर लेकर आते हुए इस इनिंग का सिमरजीत सिंह, 125 रन लग चुका है बोर्ड पर। अगर आखिरी ओवर में 25 आ जाते हैं तो 150 तो हो ही जाएगा भाई, अगर ऐसे शॉट खेलते रहेंगे दिनेश कार्तिक तो बिल्कुल हो जाएगा। पहली बॉल पे छक्का मार दिया दिनेश कार्तिक ने, पहली बॉल पे छक्का मारने के बाद थोड़े से हौसले तो बुलंद है दिनेश कार्तिक के। शॉट तो ये भी अच्छा खेला लेकिन चौका रोक लिया भाई, यहाँ पे डायरेक्ट हिट लग गया है भाई और एम्पायर ने दे दिया यहाँ पे। शॉट अच्छा था लेकिन उससे भी अच्छी फील्डिंग भाई, यहाँ पे चौका भी बचाया और रनआउट भी कर दिया यहाँ पे। 14 बनाए दिनेश कार्तिक ने 6 बॉल। नेक्स्ट बैट्समैन आते हुए करण शर्मा, रनआउट तो हो गए दिनेश कार्तिक लेकिन ये अच्छी बात है कि कैमरन ग्रीन स्ट्राइक पर आ गए लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉट बॉल, अच्छी बॉलिंग। 3 बॉल बची है अभी भी यहाँ पे, 3 बड़े हिट आते हैं तो स्कोर 150 तक जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे चौका मिलेगा कैमरन ग्रीन को। इस ओवर से आए अभी तक 10 रन। शॉट ये भी कड़क है, गैप में जा रहा है, कवर के ऊपर से मारा है, एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई यहाँ पे कैमरन ग्रीन के बल्ले से। आखिरी बॉल इस इनिंग की, सामने है कैमरन ग्रीन और इस बार खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, एक और चौका, चौके के साथ इनिंग खत्म करेंगे यहाँ पे कैमरन ग्रीन। अच्छी पारी खेली है कैमरन ग्रीन ने। आखिरी बॉल थी, यॉर्कर डालने का प्रयास था लेकिन फुल टॉस बना के चौके के लिए भेज दिया यहाँ पे कैमरन ग्रीन ने। पहली पारी समाप्त होती हुई यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, बैंगलोर ने बना दिए 10 ओवर में 143। अच्छी इनिंग खेली यहाँ पे कैमरन ग्रीन ने और रोहित शर्मा ने भी अच्छी शुरुआत दी थी, 49 बनाए, अनफॉर्चुनेटली उनकी 50 नहीं हो पाई। और बॉलिंग की बात करें तो एक एक विकेट मिला है मुस्तफिजुर रहमान और शार्दुल ठाकुर को, बाकी जो बल्लेबाज है वो रन आउट हुए हैं भाई। सेकंड इनिंग रन चेस के लिए आ चुके हैं यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। पहला ओवर लेकर आएंगे बैंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज, पहली बॉल लेकर आते हुए मोहम्मद सिराज, सामने ऋतुराज गायकवाड़। शॉट अच्छा खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को। डेवन कॉनवे आ चुके हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे मोहम्मद सिराज का। अच्छा बॉल था ये, एज लग के थर्ड मैन की दिशा में चला गया, चौका मिलेगा यहाँ पे डेवन कॉनवे को। यॉर्कर ट्राई करते हैं यहाँ पे डेवन कॉनवे के सामने, क्या पता विकेट मिल जाए, विकेट तो नहीं मिला लेकिन पुश कर दिया है लेग साइड में, सिंगल मिलेगा यहाँ पे डेवन कॉनवे को। इस ओवर से आ चुके अभी तक 6 रन। बॉलिंग यार मोहम्मद सिराज का, एज लग के एक और चौका मिलता हुआ यहाँ पे गायकवाड़ को, 2 चौके यहाँ पे फ्री के मिल गए चेन्नई सुपर किंग्स को। फाइनली विकेट मिलता हुआ यहाँ पे मोहम्मद सिराज को, एम्पायर ने भी उंगली उठा दी है, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स को। 5 रन बनाकर जाते हुए यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़। मैदान पर आते हुए ऋषभ पंत जो कि इस साल जुड़े हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, मोहम्मद सिराज टू ऋषभ पंत। अच्छा शॉट खेला है, गैप में जा रहा है भाई, क्या कर रहे हैं दोनों फील्डर, एक दूसरे को देख रहे हैं और यहाँ पे मिल गया चौका। सेकेंड ओवर लेकर आते हुए यश दयाल टू डेवन कॉनवे। शॉट तो अच्छा है, गैप में जा रहा है, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा यहाँ पे डेवन कॉनवे को। बड़े शॉट खेलते रहना होगा यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को, अगर यहाँ पे बड़े शॉट नहीं खेलेंगे तो टारगेट बड़ा है, 53 में चाहिए 129, तो मुश्किल साबित हो सकता है। डॉट बॉल अगर यहाँ पे आएगी तो डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ेगा, एक और अच्छा बॉल सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे ऋषभ पंत को। यश दयाल भी यहाँ पे यॉर्कर ट्राई करेंगे कॉनवे के सामने, अच्छा शॉट खेला है, गैप में जा रही है बॉल, कैमरन ग्रीन भगते हुए बॉल के पीछे, अच्छी फील्डिंग, 2 रन मिलेंगे यहाँ पे डेवन कॉनवे को। इस ओवर से आ चुके अभी तक 4 रन, अच्छी बॉलिंग की है यश दयाल ने। डॉट बॉल रहेगा ये वाला
अच्छी फील्डिंग यहाँ पे मैक्सवेल से। आखिरी बॉल लेकर आते हुए यश दयाल, सामने है डेवन कॉनवे, स्ट्रेट ड्राइव खेला है यहाँ पे, शॉट तो अच्छा है, गैप में जा रही है बॉल और यहाँ पे मिल जाएगा चौका। दो ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर है 22 एक विकेट के नुकसान पर। अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आते हुए यहाँ पे मोहम्मद सिराज, सिंगल मिलेगा इस बॉल पे, मोहम्मद सिराज टू डेवन कॉनवे। अच्छी बॉलिंग की अभी तक मोहम्मद सिराज ने, एक विकेट भी लिया है ऋतुराज गायकवाड़ का। यॉर्कर तो ट्राई कर ही ली, यहाँ पे एक बाउंसर ट्राई करके देखते हैं। अच्छा पुल शॉट खेला है, गैप में जा रही है बॉल, चौका मिलेगा यहाँ पे डेवन कॉनवे को। अच्छा शॉट, बाउंसर को तो यार न्यूजीलैंड के बैट्समैन अच्छा खेलते हैं तो गुड लेंथ पर ही डालते हैं, कट कर दिया यहाँ पे, थर्ड मैन की दिशा में जा रहा है बॉल, यहाँ पे मिलेगा एक और चौका। दो बैक टू बैक बाउंड्रीज मार चुके हैं यहाँ पे कॉनवे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हौसला बुलंद होगा, लेकिन विकेट मिलता हुआ यहाँ पे मोहम्मद सिराज को। अच्छा कमबैक, दूसरी सफलता मोहम्मद सिराज के लिए, 20 रन बनाकर जाते हुए यहाँ पे डेवन कॉनवे अच्छा खेल रहे थे। मैदान पर आते हुए रचिन रविंदर, सिराज भाई का मियां मैजिक भाई चल गए यहाँ पे इस मैच में, दो विकेट ले लिए और दो ही ओवर करा सकते हैं यहाँ पे, तो स्पेल भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मोहम्मद सिराज का। बॉलिंग अटैक पर आते हुए लॉकी फर्ग्यूसन, लॉकी फर्ग्यूसन बॉलिंग करेंगे अपने ही हम वतन रचिन रविंदर को, कमजोरी जानते हैं लॉकी फर्ग्यूसन, इसलिए हमने बॉलिंग दी है लॉकी फर्ग्यूसन को रचिन रविंदर के सामने, कि विकेट ले सकते हैं यहाँ पे रचिन रविंदर का। विकेट मिल सकता था यहाँ पे भाई, लेकिन बॉल कैरी नहीं किया रोहित शर्मा तक, एम्पायर का डिसीजन भी नॉट आउट। अच्छा बॉल डाला था लॉकी फर्ग्यूसन ने लास्ट वाला, विकेट मिल सकता था, तो कमजोरी तो जानते हैं भाई, फिलहाल यहाँ पे मिसफील्ड होता हुआ और एक रन भी चुरा लिया यहाँ पे भाई, ऐसे मिसफील्ड करोगे तो यार हार जाएंगे, फील्डिंग अच्छी कर लो यार। लॉकी फर्ग्यूसन टू ऋषभ पंत, ऋषभ पंत को देखते हैं भाई चेन्नई सुपर किंग्स में आने के बाद कैसी बैटिंग करते हैं, अभी तो फिलहाल थोड़ा स्लो खेल रहे हैं। पांच बॉल में बनाए ऋषभ पंत ने अभी तक 6 रन, तो थोड़ा सा फास्ट खेलना पड़ेगा। एक और अच्छा बॉल, लेकिन इस बार भी कैरी नहीं किया भाई, बॉलिंग अच्छी की है अभी तक लॉकी फर्ग्यूसन ने, इस ओवर में 3 रन ही दिए और 2 चांस क्रिएट हुए थे, लेकिन लास्ट बॉल पे यहाँ पे बड़ा शॉट खेला ऋषभ पंत ने, मिलेगा 6। अच्छा ओवर जो जा रहा था उसको बड़े ओवर में तब्दील कर दिया छक्के के साथ। स्पिनर को लेकर आते हैं करण शर्मा को, करण शर्मा टू रचिन रविंदर, देखते हैं स्पिनर को कैसा खेलते हैं यहाँ पे। शॉट तो काफी ऊंचा गया है और लंबाई भी है शॉट में, पहली बॉल पे मिल जाएगा 6 के साथ स्वागत किए यहाँ पे रचिन रविंदर ने, और इस बार खेला है रिवर्स शॉट, आउट हो सकते हैं यहाँ पे और आउट हो जाएंगे। अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पे यश दयाल ने, अच्छा कमबैक यहाँ पे करण शर्मा का छक्का खाने के बाद, 10 रन बनाए रचिन रविंदर ने 6 बॉलों में। मैदान पर आते हुए महेंद्र सिंह धोनी, धोनी के सामने करण शर्मा, देखते हैं कैसा खेलते हैं। फ्लिक कर दिया यहाँ पे पहली बॉल पे, आउट हो जाएंगे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, बहुत ही बड़ा विकेट मिला है यहाँ पे करण शर्मा को। अच्छा कमबैक यहाँ पे आरसीबी का, हीरो पर जाना पड़ेगा भाई महेंद्र सिंह धोनी को, बिल्कुल खुश नजर नहीं आते हुए। डैरिल मिचेल आते हुए मैदान पर और हैट्रिक चांस भी यही है करण शर्मा का, 2 बॉल में 2 विकेट लिए, शॉट तो बड़ा खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है और यहाँ पे हैट्रिक हो सकता है और हैट्रिक हो भी जाएगा। क्या कर रहा है भाई ये, हैट्रिक हो गया था लेकिन बॉल लेके भाई बाउंड्री लाइन के बाहर ही चला गया, लगता है फील्डर नहीं चाहता था कि हैट्रिक ले यहाँ पे करण शर्मा। एक और अच्छा शॉट और इस पे मिलेगा 4, हैट्रिक तो मिलना चाहिए था भाई यहाँ पे करण शर्मा को, लेकिन फील्डर की गलती है कि कैच पकड़ने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर ही चला गया भाई। चेन्नई का स्कोर हो गया 5 ओवर के बाद 57, एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पे, अच्छा कैच पकड़ा दिनेश कार्तिक ने, पहली सफलता लॉकी फर्ग्यूसन के लिए, बड़ा विकेट मिलता हुआ यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ऋषभ पंत के रूप में भाई, अच्छा कैच, 12 रन बनाए ऋषभ पंत ने, तो कुछ खास नहीं कर पाए चेन्नई के लिए। मैदान पर आते हुए शिवम दुबे, पहली सफलता मिल गई है यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन को भी, अच्छी बॉलिंग, शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे, 87 चाहिए अभी भी जीतने के लिए 29 में। लॉकी फर्ग्यूसन टू डैरिल मिचेल, अपने ही हमवतन को बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, शॉट अच्छा खेला है यहाँ पे कवर की दिशा में, 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पे, अच्छी फील्डिंग, चौका तो बचा लिया, 2 रन मिल जाएंगे इस बॉल पे। फिलहाल यहाँ पे मुझे लगता है कि डैरिल मिचेल और शिवम दुबे को बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे तभी ये मैच जीत पाएंगे, नहीं तो भाई बहुत देर हो गई, क्योंकि 26 बॉल में अब चाहिए 84। ये ओवर भी अच्छा किया अभी तक लॉकी फर्ग्यूसन ने, 3 रन ही दिए और 1 विकेट लिया है। एक और अच्छा बॉल, पीछे फील्डर मौजूद है, इस बॉल पे भी मिलेगा सिंगल, तो थोड़ा सा दबाव में नजर आता हुआ यहाँ पे चेन्नई। आखिरी बॉल लेकर आते हुए इस ओवर की लॉकी फर्ग्यूसन,
आखिरी बॉल पे भी मिलेगा सिंगल, तो कह सकते हैं कि अच्छा ओवर है ये लॉकी फर्गुसन का। एक सफलता भी मिली यहाँ पे ऋषभ पंत की। अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आते हुए करण शर्मा रिवर्स शॉट खेला यहाँ पे, थर्ड मैन की दिशा में मिलेगा चौका। पहली बॉल पे चौका खाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ खींच लिया है, लेकिन अच्छा शॉट खेला इस बार कवर के ऊपर से और मिलेगा सिक्स। पिछले ओवर में बॉलिंग तो अच्छी की थी करण शर्मा ने, लेकिन यार रन बहुत खा रहा है। ये अच्छा बॉल है, गैप में जा रहा है, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा इस बॉल पे। विकेट लेने के साथ साथ करण शर्मा को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार रन गति पे लगाम लगाया जाए, लेकिन ऐसे शॉट खेलेंगे तो रन गति कहां से रुकने वाली भाई। एक और चौका। फिलहाल तो इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज काउंटर अटैक करते हुए, करण शर्मा को इस बॉल पे मिलेगा सिंगल। 19 बॉल में अभी भी चाहिए 66। कैमरन ग्रीन आते हुए बॉलिंग अटैक पर, कैमरन ग्रीन लेकर आते हुए ओवर की पहली बॉल सामने डेरिल मिचेल। शॉट तो अच्छा खेला भाई, डाउन द ग्राउंड, मिलेगा चौका। चौके के साथ स्वागत किया यहाँ पे डेरिल मिचेल ने कैमरन ग्रीन का। एक और अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल से। इन स्विंग डालते हैं यहाँ पे, दो आउट स्विंग डाली थी, इस बार इन स्विंग डाल के देखते हैं। इन स्विंग पे शॉट तो बढ़िया खेला है भाई, और चौका मिलेगा इस बॉल पे। इस ओवर में आ चुके हैं अभी तक 8 रन। शॉट ये भी कड़क है, ये भी गैप में जा रहा है, इस पे भी मिलेगा चौका। चौकों में डील करते हुए यहाँ पे डेरिल मिचेल, अच्छी बैटिंग, फ्लिक कर दिया यहाँ पे, पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन कोई फायदा नहीं भाई। एक और बाउंड्री। आखिरी बॉल लेकर आते हुए इस ओवर की कैमरन ग्रीन, 5 में से 4 बॉल में 4 चौके खा चुके हैं। आखिरी बॉल रहेगी डॉट बॉल, अच्छा बॉल। लास्ट ओवर लेकर आते हुए अपना यश दयाल, पहला ओवर अच्छा किया था, 8 रन दिए थे। पहली बॉल इस ओवर की शॉट है भाई, कवर के ऊपर से खेला है, बॉल को पहुंचा दिया तारा मंडल में छक्के के लिए। पहली बॉल पे 6 मार दिया यहाँ पे, तो इस ओवर को बड़ा ओवर बनाना चाहेंगे शिवम दुबे। एक और बड़ा हिट, और इस बॉल पे भी मिलेगा 6, बैक टू बैक 6 आते हुए यहाँ पे शिवम दुबे के बल्ले से। अगर ऐसे बड़े हिट खेलते रहे तो भाई मुझे लगता है यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स जीत सकता है। शॉट है भाई, इस बार खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, एक और 6, छक्कों की हैट्रिक हो गई है भाई यहाँ पे, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी। 3 बॉल पे 3 6 खाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ खींचा है, बाउंसर ट्राई करेंगे यहाँ पे। ये अच्छा बॉल है, डॉट बॉल हो जाएगा। 8 बॉल में चाहिए अभी भी 32 रन, कुछ भी मुमकिन है भाई इस मैच में। एक और डॉट बॉल यहाँ पे, गुड लेंथ पे ट्राई करते हैं आउट स्विंग। आखिरी बॉल है इस ओवर का, डाउन द ग्राउंड खेला है शॉट, और आखिरी बॉल पे भी मिलेगा 6। आखिरी ओवर लेकर आते हुए इस इनिंग का कैमरन ग्रीन, 26 रन चाहिए जीतने के लिए 6 बॉल में। क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा यहाँ पे? पहली बॉल पे आ चुका है 6, पिछले ओवर में भी 4 छक्के मारे थे शिवम दुबे ने, इस ओवर की पहली बॉल पे 6 आ चुका है, पुल करा है यहाँ पे, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। अब चाहिए 4 बॉल में 19 रन, डॉट बॉल निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा शॉट है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में डॉट बॉल आ गई है। 3 बॉल में चाहिए 19, तो 3 छक्के तो मारनी पड़ेंगे टाई करने के लिए। एक और अच्छा बॉल, एक और डॉट बॉल, तो फाइनली यहाँ पे अब ये मैच आ चुका है बैंगलोर के हाथ में। 2 बॉल में चाहिए 19, बस यहाँ पे कोई नो बॉल या वाइट बॉल ना डाले। फ्लिक कर दिया यहाँ पे, पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन मिलेगा 6। कैच तो पकड़ लिया था फील्डर ने, लेकिन बॉल लेके बाउंड्री लाइन के बाहर ही चले गया। आखिरी बॉल इस मैच की चाहिए 13 रन। आखिरी बॉल को भी डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है और मिलेगा 6। छक्का तो मार दिया है, लेकिन यहाँ पे ये मैच जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मैच जीत लिया 6 रन से। वेल प्लेड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी ने बनाए थे 143, उसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 137 ही रन बना पाए, तो 6 रन से यहाँ मैच जीत लिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, एंड ऑल्सो कमेंट व्हाट्स योर फेवरेट मोमेंट ऑफ दिस मैच, तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।